सत श्रीकाल, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। आज पहुंचे हैं ग्राम सभा ड्योढ़ी में। मेरे को कॉल आई थी अभी वीर जी की। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम लखेंद्र सिंह। मंजीत सिंह, आपने कॉल की थी मेरे को? भाई साहब ने कॉल की थी कि हमारे घर में कोई सांप आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं ईंटों के पीछे कोई सांप है, आइए निकाल के देखते हैं, फिर रेस्क्यू करते हैं उसको ले जाके उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इसको जो है ये देखिए, ये साथियों इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, देख सकते हैं आप साथियों, बहुत ही खतरनाक। वैज्ञानिक भाषा में इसको दोस्तों नाजा नाजा के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय नाग। तो चलिए पैक करते हैं इसको। डब्बा जरा वैसा हो जरा, एक बार ना डब्बा खोल देना। वीडियो देख के दोस्तों कॉपी ना करें, ये सिर्फ एक एक्सपर्ट का काम है, ये जानलेवा हो सकता है। तंत्र मंत्र द्वारा विष को नहीं उतारा जा सकता, ये एक अंधविश्वास है, मिथ्या है। मंत्रों द्वारा जहर उतारने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और ना ही उतारा जा सकता है। इसका एक ही इलाज है, स्नेक एंटीवेनम, जो खटीमा के सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और खटीमा प्रयास हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। दोस्तों चलिए समय बर्बाद ना करते हुए इसको पैक करते हैं, आइए महाराज। तो साथियों इसको सफलतापूर्वक पैक कर लिया गया है, इसको ले चलते हैं सीधे इसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रीच करने के लिए। सांपों को बचाएं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं दोस्तों। जाने से अंदर से ये निकला है, तो यहाँ पर इसको नेचुरल एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए आए हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको रिलीज कर देते हैं, आइए महाराज। महाराज आइए, सांप होता है, जहरीला सांप होता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, कभी भी स्नेक बाइट हो तो सीधे हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट लें, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा आपको जान गंवानी पड़ सकती है। तो साथियों चलिए इसको यहाँ पर हम रिलीज कर देते हैं। और साथियों वो अपने एनवायरमेंट में जा चुका है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी बेजुबान की जान बचाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।